इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे बीच में खबर आ रही है ग्वालियर की म्यूजिक यूनिवर्सिटी की। ये खबर है, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी होंगे नटराज सम्मान से सम्मानित एवं होगा एक पुस्तक का विमोचन। जी हाँ, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को झांसी में सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें संस्कार भारती की राष्ट्रीय इकाई झांसी महानगर द्वारा प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो कि डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी कई वर्षों से रंग कर्म कर रहे हैं। आपकी ख्याति देश विदेशों में भी व्याप्त है। आपको इससे पूर्व अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आपने 3 से अधिक पुस्तकें, 35 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं जिनका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में हो चुका है। आप 25 से अधिक नाटक का निर्देशन एवं 45 से अधिक नाटकों में अभिनय कर चुके हैं जिनकी लगभग 500 से अधिक प्रस्तुतियाँ पूरे देश में हो चुकी हैं। समिति की स्थापना भी आपने एक झांसी में की है जो विगत 10 वर्षों से निःशुल्क रंगमंच का प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। साथ ही बुंदेली लोक नाटक, नृत्य, संगीत आदि का प्रशिक्षण एक समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। उक्त संस्थान बुंदेलखंड की लोक कला एवं संस्कृति को समर्पित एकमात्र संस्थान है। इसी संस्थान में डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने बिना किसी शासकीय सहयोग से अपनी सैलरी से ही स्टूडियो थिएटर का निर्माण किया और जो लाइट साउंड सभी सुविधाओं से युक्त है। यहाँ पर भारत का कोई भी रंग समूह नाटक की निःशुल्क प्रस्तुति दे सकता है। डॉक्टर द्विवेदी झांसी में सरस्वती संस्कार केंद्र की गरीब अनाथ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली लड़कियों के साथ निःशुल्क रूप से नाट्य प्रशिक्षण प्रदान कर नाटक का मंचन करवाते हैं तथा उन्हें कला के माध्यम से व्यक्तित्व विकास और रोजगार की ओर प्रेरित करते हैं। उनके इस योगदान को देखते हुए संस्कार भारती ने उन्हें इस बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कला गुरु नटराज सम्मान से सम्मानित कर रही है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद झांसी ललित कुंवर अनुराग शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर, केंद्रीय मंत्री और गरौठा विधायक तथा कई कला मर्मज्ञ के द्वारा डॉक्टर द्विवेदी को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें नाट्य विधा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान हेतु कला गुरु सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें ग्वालियर सांसद माननीय विवेक नारायण सेजवलकर जी से प्राप्त हुआ है।